और तमन्ना मेरी कोई भी नहीं, मैं तो सब पा लिया। रब पाले कदे वेखा तेरी अखियां चो पा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस तरह के डुअल ऑडियो स्टेटस एडिटिंग के बारे में, जो कि आप सिंपल वीडियो में देख रहे हैं। तो चलें शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो दोस्तों आजकल इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा ये डुअल ऑडियो वाले जो है स्टेटस ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों इसके लिए हमें जिस ऐप की जरूरत है उसका नाम है लाइट मोशन। सबसे पहले आपने लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। तो अगर आपके पास लाइट मोशन है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करना है और 4.5 वाले सेलेक्ट करके क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करना है। इमेज एंड वीडियो में आके जो हमारे पास एक इमेज है आपने ये ऐड कर लेनी है। दोस्तों इस स्टेटस के लिए जो मटेरियल चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आपने वो जाके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करना है इमेज एंड वीडियो में आके। तो दोस्तों हमारे पास ये एक बैक स्क्रीन है, आपने ये ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आप जहाँ तक अपना स्टेटस रखना चाहते हैं वहाँ तक आपने जो है आगे इमेज को बढ़ा लेना है। तो मैं 30 सेकंड का बना रहा हूँ, तो मैं इस इमेज को 30 सेकंड तक कर लेता हूँ। आपने अपने हिसाब से जहाँ तक आप रखना चाहते हैं आपने रख लेना। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो हमने अभी ऐड की है ब्लैक स्क्रीन, इसका जो है ब्लैक हिस्सा रिमूव करना है। उसके लिए आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके लेटेन में आके इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों ये हमारा वाइट है, अगर आप वाइट रखना चाहते हैं तो ठीक, अगर आप जो है वो ब्लैक इसको करना चाहते हैं तो आप पीछे डिफरेंस लिखा हुआ आपने इस पर क्लिक करना है। जो थर्ड नंबर वाला आइकन है आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पहला हमारा ब्लैक था, वाइट था, तो अब हमारा ये ब्लैक हो गया है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, इसको दोनों फिंगर की मदद से भी आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मूव एंड टसर में भी जाके आप इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। दोस्तों आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, बड़ा छोटा करना है, ऊपर नीचे जहाँ पर रखना चाहते हैं रख लेना है। उसके बाद आपने दोबारा फिर प्लस पे टैप करना है इमेज एंड वीडियो में आके। दोस्तों हमारे पास ये एक और ब्लैक स्क्रीन है, आपने इसको भी ऐड कर लेना है। आपने लाइटेन में आ जाना है, लाइटेन में आने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसको भी डिफरेंस में आके आपने ब्लैक कर देना है। दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आप ब्लैक रखना चाहते हैं कि वाइट रखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद आपने इधर ऐसे ऊपर सेट कर देना है। दोस्तों ऐसे स्टेटस आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, तो आप भी अपनी मर्ज़ी पर कोई सा भी सॉन्ग लगा के तो आप ये स्टेटस बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इमेज एंड वीडियो में आना है। ये हमारे पास एक PNG है, तो आपने इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको वाइट भी रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको ब्लैक रखना चाहते हैं तो इसको भी दोस्तों आपने ब्लैक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इसको वाइट रखना चाहते हैं, ब्लैक, या किसी भी कलर में आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इसको बढ़ा के अपने जो है स्टेटस के एंड तक ले जाना है। आपने दोस्तों सही से इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप हमें से कोई सा भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए इमेज एंड वीडियो में आके, तो ये मेरे पास एक सॉन्ग पड़ा हुआ है, मैं इसको एक स्टार्ट ऑडियो गा लेता हूँ। मैंने सॉन्ग को डिलीट कर देना है, वीडियो को अब ऑडियो आ गई है। दोस्तों अगर आपके पास जो है ऑडियो की सूरत में आपने प्लस पे टाइप करना है ये ऑडियो में आके, तो आप इधर से लगा सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो की सूरत में है तो आप उसकी वीडियो से ऑडियो को स्टार्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा स्टेटस जो है रेडी हो चुका है। उसके बाद आप जितना रखना चाहते हैं आपने क्या करना है, जहाँ तक आप रखना चाहते हैं आगे वाला ऐसा जो है तो आपने तमाम लेयर इसकी है ट्रिम कर लेनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपने दोस्तों इसको क्या करना है कि 720p पे रख चाहें 1080p पे, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेजोल्यूशन में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपने इसकी क्वालिटी हाई करके इसका जो फ्रेम रेट है वो भी फुल रख के तो आपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर दोस्त हो रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।